आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले अभिनंदन का अर्थ कॉन्ग्रेचुलेशंस होता था, लेकिन अब इस शब्द का अर्थ बदल गया है। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस, शाह बोले राहुल एंड कंपनी को चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। पाकिस्तान सरकार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश के संपर्क में, एयर स्ट्राइक के तबाही के फोटो आए सामने। उरी का नकली मेजर गिरफ्तार, मेजर बनकर करता था लोगों के साथ ठगी। और जबलपुर में बकरे का हैप्पी बर्थडे, पार्टी में परोसे गए लजीज व्यंजन। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नया भारत है जिसकी ताकत कुछ और ही है। हिंदुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसे गौर से देखती है। भारत में ताकत है, वह डिक्शनरी के शब्द का अर्थ बदल सकता है। पहले अभिनंदन का अर्थ कॉन्ग्रेचुलेशन होता था, लेकिन आज इस शब्द का अर्थ बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की जमकर तारीफ की। उन्होंने अभिनंदन की वतन वापसी के बाद कहा कि भारत में ताकत है कि वह डिक्शनरी में शब्दों का अर्थ बदल सकता है। पीएम ने कहा, पहले अभिनंदन का अर्थ कॉन्ग्रेचुलेशन होता था, लेकिन आज इन शब्द का अर्थ बदल गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसे गौर से देखती है। वह कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 19 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस देश की ताकत है डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही विजय संकल्प बाइक रैली का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुभारंभ किया। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस और विपक्षी दल रहे। शाह ने कहा, आप सवाल उठा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं। पाकिस्तान ने मान लिया, आतंकी संगठनों में मान लिया, लेकिन ममता जी और राहुल गांधी सबूत मांग रहे हैं, इस पर शर्म करना चाहिए। ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने उमरिया से भानपुर, बांधवगढ़ और बड़वारा विधानसभा क्षेत्र की बाइक रैलियों को रवाना किया। अमित शाह ने यहां शहडोल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित भारी संख्या में भाजपा के नेता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 1990 से देश आतंकवाद से पीड़ित है। आज राहुल बाबा और कंपनी इसका राजनीतिकरण कर रही है। मुंबई अटैक हुआ, सोनिया जी की सरकार थी, कभी आपने हमला किया? देश के जवानों के खून का बदला लेने की हिम्मत नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने देश की इच्छा को पूर्ण किया। अब सवाल उठा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई भी या नहीं। उन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी बींच कर जोर से बोलिए, भारत माता की। रैली में अमित शाह ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है। हम हर बूथ के मतदाता से संपर्क करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने इशारों में कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियां परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन भाजपा 50 करोड़ गरीबों के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठन जैश पर हुई भारत की एयर स्ट्राइक को पड़ोसी मुल्क नकार रहा है, लेकिन अब इस हवाई हमले से हुई भारी नुकसान की पुख्ता तस्वीरें सामने आई हैं। रडार से मिली तस्वीरों में साफ हुआ है कि हमले में मसूद अजहर के मदरसे की 4 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं।
जैश के अड्डे पर भारत की एयर स्ट्राइक का भरपूर असर हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वह बताती हैं जैश के अड्डे में सब कुछ तबाह हो चुका है, उसके लड़ाके भी और उसकी इमारतें भी। भले ही मारे गए आतंकियों का सही सही आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो तकनीक और जमीनी खुफिया जानकारी होनी चाहिए वह पूरी नहीं है। लेकिन रडार से मिली तस्वीरें बताती हैं कि अब भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास हमले से हुए नुकसान के पुख्ता सबूत हैं। ये तस्वीरें सिंथेटिक अपरेचर रडार से ली गई हैं। भारतीय वायु सेना के मिराज 2000 विमानों ने इन टारगेट्स पर हमले किए थे जो इमारतें ध्वस्त हुई हैं। वहां जैश का मदरसा चलता और उसकी आतंकी बनाने की फैक्ट्री चलती थी। पाकिस्तान ने भी पुष्टि की है कि भारत ने इस स्थान पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि उसका दावा है कि भारतीय विमानों द्वारा गिराए गए बम जंगल में गिरे हैं। अधिकारियों ने सवाल उठाए हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान ने किसी को उस स्थान पर क्यों नहीं जाने दिया जहां पहले मदरसा था। एल आकार में बनी इन बिल्डिंग में जिहादियों को ठहराया जाता था और आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था। इमारत के एक हिस्से में मसूद के बेहद करीबी आतंकी ठहरते थे, जिसमें उसके दो भाई और कश्मीर के इंचार्ज शामिल थे। एक बिल्डिंग में जिहादी रहते थे, वहीं खाते पीते और ट्रेनिंग लेते थे। चौथी बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता था। ये तस्वीरें सैटेलाइट तस्वीरों की तरह साफ नहीं है, क्योंकि उस दिन घने बादल थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों के राशन डिपो की सतर्कता बढ़ाने के अलर्ट दिए हैं। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन सैनिकों के खाने में जहर मिलाने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसी ने सुरक्षा बलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जवानों को दिए जाने वाले खाने को पहले परखा जाए। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलाने का षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए पाक की ISI कश्मीर में मौजूद अपने एजेंट का इस्तेमाल कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट आने के बाद कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह से बदला लिया है, उसे देखकर पाकिस्तान सेना का होश फाकता हो गया है। सीधी लड़ाई लड़ने में हर बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी साजिशें रच रही है। पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद जिहाद यूनाइटेड काउंसिल ने भारत में मौजूद आतंकियों को देश भर में आतंकी हमले करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को हमला करने को कह रहा है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान में होने की बात कहने के एक दिन बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक और चौंकाने वाली बात स्वीकार ली है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार प्रतिबंधित आतंकी संगठन के संपर्क में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जैश और अजहर मसूद के पैरोकार बने हुए हैं। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि पाकिस्तान जैश के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल क्यों रहा है, जबकि वह पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा कर रहा है जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि जैश ने यह नहीं कहा था कि पुलवामा आतंकी हमले के पीछे उसका हाथ है। इस हमले में जैश की भूमिका को लेकर भ्रम था। कुरैशी ने यह बात तब कही है जबकि जैश के प्रवक्ता मोहम्मद हसन ने हमले के दिन 14 फरवरी को एक बयान जारी कर कहा था कि भारतीय फोर्स के दर्जनों वाहन नष्ट कर दिए गए। हसन ने पुलवामा में फिदाइन हमले को अंजाम देने वाले ड्राइवर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में की थी। आतंकी समूह ने डार का एक वीडियो भी जारी किया था जिसके बैकग्राउंड में जैश के झंडे थे, जिसमें उसने भारत विरोधी हमले के कारण बताए थे। बताते चलें कि इससे एक दिन पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है लेकिन वह काफी बीमार है। उन्होंने कहा कि मसूद अजहर की हालत इतनी खराब है कि उसका घर से निकलना भी मुश्किल है। रायगढ़ में बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी जारी है। छोटे कोयला तस्करों की धरपकड़ तो होती रहती है लेकिन बड़े स्तर पर कोयले की तस्करी और चोरी अधिकारियों की मिलीभगत से जारी है। सरकार इन कोयला माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम है। रायगढ़ के पास ग्राम तिलाईपाली में फॉरेस्ट विभाग ने अवैध रूप से उत्खनित कोयले के 10 ट्रैक्टर जब्त किए। कोयले की पकड़ी गई है खेप तस्करी होने वाले कोयले की 1% भी नहीं है। दरअसल जो तस्कर जिम्मेदार अफसरों से बिना साठगांठ के कोयला चोरी करके ले जाने का प्रयास करते हैं वह पकड़े जाते हैं, जबकि अफसरों की मिली भगत से तस्करी करने वालों को बिना रोकटोक के कोयले की तस्करी करने दी जाती है। ऐसे में कोल माफियाओं के हौसले बुलंद है। सरकार इन पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और ना इस पर कोई रोक लगा रही है जिससे उनका कोयले की तस्करी का सिलसिला जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे आरोपी को दबोचा है जो खुद को उरी फिल्म के मेजर विहान सिंह के तौर पर सेना का अफसर बताकर लोगों को फर्जी सामान दिलाकर ठगने का काम करता था, जिसके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज थी। खुद को मेजर बताने वाले आरोपी का असली नाम शुभम कांत चतुर्वेदी है, जो दुनिया के सामने खुद को उरी फिल्म के मेजर विहान सिंह के तौर पर लोगों के सामने पेश करता था। इसी बात का झांसा देकर उसने कई लड़कियों को अपनी झूठी शान और शौकत के दम पर ठगा है। इसमें डॉक्टर इंजीनियर तक शामिल है। अरविंदो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को फर्जी मेजर ने सेना की कैंटीन से सस्ती बुलेट दिलाने के नाम पर ठगा था। इसी डॉक्टर ने फर्जी मेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच इसकी तलाश कर रही थी जिसे पुलिस ने धर दबोचा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सेना की कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने के नाम पर फर्जी मेजर ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को ठगा है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस उन लड़कियों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसे उसने उरी फिल्म का हवाला देकर दोस्ती गांठी थी। बैरसिया के नीलकंठ कॉलोनी में एक 16 वर्षीय छात्रा की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। छात्रा की मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतिका 10वीं कक्षा की छात्रा तनु मेहरा ग्राम डुंगरिया की निवासी थी, जो परिवार सहित नीलकंठ कॉलोनी में किराए से रहती थी, जिसकी लाश नीलकंठ कॉलोनी में पानी की टंकी के पास संदिग्ध अवस्था में मिली। बैरसिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन अब तक इस छात्रा की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। संत हिरदाराम नगर में रोटरी क्लब ने 2 दर्जन स्कूलों के बच्चों को टेबल बेंच के 1300 सेट बांटकर जनसेवा की अनूठी मिसाल कायम की। रोटरी क्लब अभी 3000 टेबल बेंच के सेट और डोनेट करेगा। रोटरी क्लब शाहपुरा ईस्ट भोपाल लेक और अन्य रोटरी क्लब फाउंडेशन के सदस्यों ने भोपाल के लगभग 2 दर्जन स्कूलों में स्कूल के बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर डोनेट किया, जिसमें लगभग 3000 टेबल बेंच बांटे जाएंगे। अभी फिलहाल 1300 सीटें बांटी गई हैं। रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि हम सभी मेंबर अपना पैसा मिलाकर ऐसी सेवा कार्यों में लगाते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। रोटरी क्लब भोपाल, शाहपुरा ईस्ट भोपाल और लेक्स भोपाल स्थानीय रोटरी क्लबों ने मिल करके रोटरी फाउंडेशन की मदद से
शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर सेट्स प्रदान किए हैं, जहां बच्चे पहले टाटपट्टी पर बैठते थे वो आगे से फर्नीचर पर बैठ करके अपना अध्ययन कर पाएंगे, जिससे उनका शिक्षा के प्रति अधिक रुचि और लगाव रहेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाडरवारा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव का आगाज करते हुए कमल संदेश रैली निकाली। बता दें कि केंद्र में बीजेपी की अभूतपूर्व सफलता को निरंतर बनाए रखने के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गाडरवारा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कमल संदेश वाहन रैली का आयोजन किया। इस रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी ताकत का एहसास कराया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह रैली निकाली, जिससे देश का विकास हो सके। ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विजय संकल्प रैली थी। ये पूरे हिंदुस्तान में एक साथ सारी विधानसभाओं में एक समय में होनी थी, सारे मोर्चा प्रकोष्ठों द्वारा, इस जिससे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत व्यवस्थित तरीके से हो सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर की प्रत्येक विधानसभा में एक कमल संदेश विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। एक साथ 12 बजे का समय निश्चित करके पूरे देश भर में ये यात्रा निकाली गई है, क्योंकि देश में एक माहौल चल रहा था कि देश को तोड़ने का, बांटने का प्रयास विगत कई वर्षों से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। और पाकिस्तान ने जो हमला, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हमारे देश के ऊपर किया गया था, उसकी शहादत का बदला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने लिया है। तो कहीं ना कहीं देश को आवश्यकता है एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और जो हम सबका सपना है भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का, उसे साकार करने का प्रयास कर रहा है। आज पूरे भारत देश की हर विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। ये रैली 11 बजे से 3 बजे तक पूरे देश की हर विधानसभा में एक ही समय में हर स्थान पर आयोजित की गई थी। इस रैली का उद्देश्य हमारा एक तरह से 2019 लोकसभा के चुनाव का आगाज भी था, और हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित हैं, जो देश के परम सेवक हैं। इस उद्देश्य को लेके हमने युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी एवं इसके सभी प्रकोष्ठों ने मिलकर ये रैली हर विधानसभा में आयोजित की थी। उसी आयोजन के निमित्त हम यहाँ आज एकत्रित हुए और रैली को
समापन किया। भारतीय पायलट अभिनंदन की वापसी पर जहां सारा देश खुशियां मना रहा है, वहीं जबलपुर में स्थानीय लोगों ने अभिनंदन की वतन वापसी की खुशी में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया और सरकार को बधाई दी। अभिनंदन की वापसी की खुशी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अभिनंदन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अभिनंदन की बहादुरी को लोगों ने सलाम किया। इस जश्न में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी उम्र के लोग शामिल हुए। लोगों ने सरकार को भी अभिनंदन की वापसी पर बधाई दी। पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर बहुत से फिल्म स्टार विज्ञापन में आपको यह संदेश देते कई बार नजर आए होंगे कि पशुओं को बचाओ, शाकाहार अपनाओ। लेकिन असली स्टार तो जबलपुर का गोटिया परिवार है, जिन्होंने अपने बकरे व बकरी परिवार के सदस्य की तरह अपने बच्चों की तरह पाले। इतना ही नहीं, हर साल उनका जन्मदिन भी यह परिवार जश्न के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि माथे पर तिलक लगाकर, गले में खूबसूरत घंटी पहनकर इस बकरे की पूजा कर आज इस बकरे की बलि की तैयारी की जा रही है। हर बार की तरह यह बकरा आज बलि चढ़ जाएगा। माना जाता है कि बकरे को इसलिए खिलाया पिलाया जाता है कि एक दिन उसकी बलि चढ़ाई जा सके। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आज यह बकरा कटेगा नहीं, आज यह बकरा केक काटेगा। यह बकरा बलि के लिए जन्म नहीं लिया, आज यह बकरा अपना जन्मदिन मनाएगा। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे अपने परिवार के सभी पशुओं का जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे। परिवार में अपने बच्चे जैसे रखे, हमारे बच्चे हमने बहुत खुशियाली बच्चे जैसे जन्मदिन आपके दिन है। हमारे एक जानवर के दो हैं, हमने बहुत खुशियाली मनाए सब ठीक है के द्वारा दिया गया। जहाँ पर इंसान इंसान से प्यार नहीं कर पा रहा है, एक मात्र शक्ति माता ने एक जानवर को, जो बकरियों के बच्चे हैं, तीन बकरियों के बच्चों को एक बच्चों की तरह पालन पोषण किया। और ये प्रेरणा स्रोत इस माता के द्वारा दिया गया। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह, जिस तरीके से एक माँ ने बच्चे की तरह ये जानवर पाला है, इसी तरह इंसान इंसान से भी प्यार करते हुए ये प्रेरणा स्रोत संदेश आगे तक पहुँचा। बकरे की दावतें उड़ाते आपने लोग देखे होंगे, मगर बकरे के जन्मदिन में शरीक होकर उसकी दावत खाने की यह तस्वीरें पहली बार आप देख रहे होंगे। यकीनन इन हलवाइयों ने भी पहली बार ही किसी बकरे के जन्मदिन का खाना बनाया होगा, और यहाँ जन्मदिन में शामिल लोग भी दावत के लजीज खाने का खूब मजा ले रहे हैं। इस दावत में लगभग 250 लोग शामिल हुए हैं। सभी का कहना है कि यह एक मिसाल है और सभी को पशुओं से प्रेम करना चाहिए। साल भर के बच्चे हो गए। आपको ये किस प्रकार से आपके मन में आया कि आगे बच्चे? अब ये बचपन से आने है कि जैसे बच्चों का मतलब अपन करते हैं, तो ये जन्मदिन मनाने के आपके मन में कैसे? अब बच्चों जैसे पाले हैं तो उसे इसलिए कि बच्चों जैसे कभी जन्मदिन मनाने खुशी मिलती होगी आपको। लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश है कि मतलब बच्चों जैसे जानवरों को भी ऐसा किया जाए। यह खबर समाज को एक बड़ा संदेश दे रही है। भले ही बड़े मंचों से पशुओं को बचाने के कितने भी संदेश दिए जाते हों, मगर सच यही है कि जब तक लोग दिल से इन्हें नहीं अपनाएंगे, तब तक इन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कृति सेनन अपने फिल्म लुका छुपी के प्रमोशन के लिए डांस शो सुपर डांस चैप्टर 3 के सेट पर पहुंचे। डांस शो में दोनों ने सिर्फ डांस परफॉर्मेंस ही नहीं देखी, बल्कि कार्तिक आर्यन ने तो जज शिल्पा शेट्टी के संग डांस भी किया। कार्तिक आर्यन ने शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का पॉपुलर सॉन्ग ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में के गाने पर जबरदस्त डांस किया। इस गाने पर दोनों स्टेज पर बेहतरीन स्टेप्स करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल कार्तिक आर्यन को देखकर शिल्पा शेट्टी काफी अच्छा महसूस करने लगी थी। उन्होंने उन्हीं के सामने अपने दिल की बात शेयर की। शिल्पा शेट्टी ने कहा, मुझे जवान अक्षय कुमार की याद दिलाता है। पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो ओ बाजार में। आओ एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, वो दोनों पागल हो गए प्यार।
कार्तिक आर्यन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और वो अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में कार्तिक आर्यन ने जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। इस फिल्म का दिल चोरी लोगों को खूब पसंद आया था। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म लुका छुपी के प्रमोशन में बिजी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, मैं हूँ जर्जर भोपाली और वेलकम कर रहा हूँ आपको भैरन समाचार में। आज तो समाचार वाकई भैरंट है, बता रहा हूँ। हमारे देश का है ना शेर आ गया है, अभिनंदन। पूरा देश है ना जोश में है, जुनून में है। पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, नाच गारे हो रहे हैं, बता रहा हूँ। यह तो मजा आ रही है, बता रहा हूँ। और मेरे को कल है ना इमरान खान का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा हमने है ना 2 बजे भेज रहे हैं वहाँ पर बाघा बॉर्डर पर। तो हम है ना सुबह से जाके 12 बजे आके बैठ गए वहाँ पे बाघा बॉर्डर पे, देखते रहे, आँखें टकटकी लगाए उधर अटारी पे, और वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने कहा आ रहे होंगे, और मैं वेट करता रहा 2 बजे तक। 2 बजे तक नहीं आए, और मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने कहा ये तो इनकी बात है, कुत्तों की लातें, इनका क्या भरोसा पाकिस्तान का, क्या बोलें क्या करें। तो मैं फिर वापस लौट के ना घर पर आ गया, बता रहे हो। फिर खाना वाना खाया मैंने, मैंने कहा अब देखता हूँ। टीवी खोला तो उसमें हम बताया कि 4 बजे आ रहे हैं। 4 बजे से मैं बैठ गया टीवी के सामने, आ रहे हैं। और टीवी की एंकर है तो भैया ये तो गला फाड़े दे रही थी, कले या भारे निकाल दे रही थी। ये देशभक्ति तो इनमें ही है सबसे ज़्यादा, बता रही हूँ। ये हम लोग में देशभक्ति नहीं है क्या? ये देशभक्ति का मतलब ये तो है गला फाड़ो। अरे इमोशंस कंट्रोल करना चाहिए ऐसे टाइम पर। हाँ, और मैं बैठ रहा अभी आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, 5:30 बजे आएंगे, और मैं बैठ रहा टीवी के सामने, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये खबर आई, बोले वो मीटिंग रिट्रीट होगी, उसके बाद भेजेंगे वो। हमने तो अभी मीटिंग रिट्रीट वेलकम में है ना, हमने रद्द कर दी थी। तो मैंने कहा ठीक है भेजेंगे। वो भैया इस बीच में चैनलों के एंकर हैं तो ऐसा कर रही थी, वो एक ने तो मेरा ये स्क्रीन फाड़ गया टीवी का, मेरा गला पकड़ लिया, और बोले कि अभिनंदन हमारे टीवी पर पहले आए थे, सबसे पहले यही बोल रहा है, वो मेरी ढेंडी पकड़ ली। और मैंने कहा ये बोलूँगा ऐसे ही ना, ये पाकिस्तानियों ने क्या है अभिनंदन जी को है ना गलत वीडियो बनवाया, कट कर करके झूठ बोलवा के वो वीडियो ने चल लिया है, उसको देखना मत, बता रहा हूँ। हाँ ये तो चल लिया है, तो मैं बता रहा हूँ। फिर मैं बैठा रहा टीवी पे, वो बता 9:21 पे आए वो, ये तो चल लिया है। और जैसे ही वो आए भैया शेर की तरह, जैसे शेर नहीं आता, उनकी तस्वीरें देखी, पूरा देश में ऐसा जोश फैल गया। और मैंने अभी अपनी मूछें ऐसे खल ली उनके बाद, मेरे अंदर भी है ना जोश आ गया, बता रहा हूँ। हाँ, और इमरान खान का फ़ोन आया मेरे पास, बोले भैया जर्जर भाई तुमसे बात हुई थी, तुमने बचा लिया यार। बोले अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया आज, नहीं तो एक दिन और रोक लेते हमारे, जो मैंने हमने वेलकम देखा उनका, हिंदुस्तान का जोश देखा, वो तो वो अकेला आदमी पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देता, ये नामो निशान मिटाया था, ऐसा गुस्सा था लोगों में, बता रहा हूँ। हाँ तो इमरान खान का ये कह रहे थे हमसे, बता रहा हूँ। लेकिन बता रहा हूँ ये कुत्तों की बातें हैं ना, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बता रहा हूँ। हुआ क्या, ये थे वो आए वेलकम, इधर वेलकम हो रहा था, उधर सीमा पे गोलीबारी शुरू कर दी। ये तो बातें हैं, कुत्ते की पूछे ना 12 साल में इतनी टेढ़ी ही निकलती है, बता रहा हूँ। हमारे 5 जवान मर गए, और बता रहे पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये इस मुद्दे पे ना पॉलिटिक वॉल्टिक अच्छी नहीं लगती है, छोड़ो ये नेता है ना शुरू हो जाते हैं, ये वोट मांगने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे देश की बात है, गौरव की बात है, ये आपकी पार्टी का भी होता कोई प्रधानमंत्री वो नहीं करता क्या, अपने देश की रक्षा नहीं करता, ये कोई बुरी बात है क्या? हाँ बता रहा हूँ, और मेरा भेजा बहुत ख़राब हो रहा है, बता रहा हूँ इस बात को लेके। हाँ ये देश के समय एक हो जाना चाहिए, पूरे देश को ऊँचे ऐसी कर लेना चाहिए, बता रहा हूँ। हाँ ये देश की बात है, गौरव की बात है। तो भैया ये चल रहा है, पूरा देश जोश में है, मैं भी जोश में हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।